अस्सलाम वालेकुम, मेरा पूरा नाम हिना नूर है और मैं फोर्थ क्लास में पढ़ती हूँ अलमशल वेलफेयर फाउंडेशन में। मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे बुक से दिली लगाव है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं शोहरत लेना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरे मुल्क का फ़ायदा हो, जिससे मेरा फ़ायदा हो, जिससे मेरे माँ बाप का सर फ़ख्र से शाद हो। मैं कुछ कर दिखाना चाहती हूँ। मेरे अबू कार ड्राइवर हैं, वो ड्राइविंग करते हैं, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन बाकी लोगों की ज़िद की वजह से वो मुझ पर काफ़ी दबाव डाल रहे हैं कि आप ना पढ़ें, आप ऐसे करें, पर मैं पढ़ रही हूँ इसलिए। मेरे अबू भी बहुत ग्रेट हैं, वो मुझे कहते तो हैं लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने अभी मैट्रिक तक पढ़ना है, इसीलिए वो भी चुप हो गया है। मैंने मैट्रिक तक पढ़ना है, हो सकता है उसके बाद मैं प्राइवेट करूँ। ये बैनियन का ट्री है और ये बहुत पुराना है, ये मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए इसकी पिक ली है। ये डाइजेस्ट है, ये उस पर मॉडल की सर, इसने मेकअप अच्छा किया हुआ था, इसका हेयर स्टाइल भी मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए इसकी पिक बनाई है। पैरेट और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, ये मेरी कज़न है। ब्लू कलर के कपड़े जिसने पहने हैं ये मेरी सिस्टर है छोटी, ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ती है, 1 क्लास में पढ़ती है, इसकी एज 10 ईयर्स है। तो ये मेरे घर आए हुए थे। होली काबा है, तो ये मेरे भाई को 7 साल पहले उनकी इंगेजमेंट में गिफ्ट में मिला था। ये पीछे क्लॉथ्स, ये हमने धोए हुए थे, ये हमारा घर है। वो पीछे तंदूर है जिसमें हम रोटियाँ बनाते हैं। ये हमारे मूर्तिया का पौधा है, पीछे मूर्तिया का प्लांट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये शाम है, ऐसे लग रहा है जैसे सुबह सुबह का मौसम नहीं आता। ये आसमान है, बहुत प्यारा लग रहा था उस टाइम। और ये हमारे घर के पीछे का, उधर एक मदरसा है तो उधर के पास का हिस्सा ये दरख्त। ये हमारे घर से पीछे ये पहले फील्ड्स थे, तो अब इधर कोई रहता नहीं है, ये जैसे ये खंडरात नहीं होते, ये इस मकान में लोग रहते हैं। ये स्कूल की स्टूडेंट है, बहुत नाइस बच्ची है। और ये मलाइका है, ये सारा है मेरी कज़न, ये मेरी छोटी सिस्टर मलाइका है। ये बकरियाँ इधर चर रही थी, तो ये मेरा कज़न ज़िद कर रहा था कि मेरी तस्वीर बनाओ। ये बकरी का बच्चा मुझे पीछे अच्छा लग रहा था, इसलिए इसके साथ मैंने पिक बनाई है। ये पीछे बकरी है और ये आदमी है और ये बच्चा है, छोटा सा साइकिल चला रहा है। ये अजमल है, ये नर्सरी क्लास में पढ़ता है, ये इसी स्कूल में पढ़ता है अलमशल में। ये घास पर लेटे हुए थे, मैं इनकी पिक नहीं बना रही थी, मैंने कहा तुमने कपड़े नहीं पहने हुए तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, स्कूल में तुम मेरी इंसल्ट करोगे। मैंने कहा ऐसा अच्छा नहीं लगता तो तुम जाके कपड़े पहन के आते हो, कह रहा था नहीं। सर ये हदीका कियानी है और उनका बेटा नादे अली है, ये इसको म्यूज़िक सिखा रही हैं और एक्टिविटी करवा रही हैं। मेरा कज़न है, ये सर स्कूल में पढ़ता है, ये 2 क्लास में है, इकरा रोज़तुल जन्नत में पढ़ता है। सर ये गुस्से में नहीं हंसती, आंखें ऐसे निकली हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे वो गुस्से में है। सर ये मेरा कज़न है छोटा सा, बहुत नाइस बच्चा है, हंसता हुआ प्यारा लग रहा था। यूनस नाम है इसका, ये अभी स्कूल नहीं पढ़ता, छोटा सा है, ये स्कूल नहीं जाते, ये हमारे मदरसे में इन्होंने पढ़ा हुआ है। ये मेरी कज़न स्कूल जाती है, बाकी इनमें से कोई स्कूल नहीं जाते, वो हमारे में पढ़ाई को बुरा समझा जाता है। मेरे फादर को तो पढ़ाने का बहुत शौक है, लेकिन सर जो मेरे ताया अबू हैं और ये दूसरे लोग हैं, तो वो उनको बुरा लगता है कि भाई लड़कियां हैं ये पढ़ने जाती हैं, ये क्यों जाती हैं। तो इस वजह से मेरे अबू ने काफ़ी दबाव डाला है मुझ पर कि तुम स्कूल छोड़ दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। लेकिन मैंने उनको ये बता दिया है कि मैं फ़िलहाल तो मैट्रिक तक मैं स्कूल नहीं छोड़ने वाली, उसके बाद शायद मैं प्राइवेट करूँ। सर बहुत ज़्यादा है मुझे पढ़ाई का शौक़, मैं बस लोग म्यूज़िक को या मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहते हैं और मैं पढ़ाई को अपनी रूह की ग़िज़ा समझती हूँ। नो सर, इनको अब घर पर रहने की आदत पड़ गई है, ये बच्चों को अब पढ़ने का शौक़ नहीं है, ना इन्हें शुरू से पढ़ाया गया है। पढ़ाया भी था तो एक मिडिल क्लास स्कूल में, जिसमें पढ़ाई ज़रा भी अच्छी नहीं थी, जो वैसे ही बस बच्चों से काम करवाया जाता था, तो उधर से उन्होंने अपने बच्चों को निकाल दिया, तो अब वो नहीं पढ़ाते हैं, बस घर में बिठा के रखा हुआ इस नाम पर कि ये लड़कियां हैं और आजकल का माहौल सही नहीं है तो इन्होंने पढ़ने नहीं जाना, सारा दिन घर पे बस बैठी रहती हैं। इसकी बड़ी सिस्टर जाना इसलिए वो काम करती हैं और ये सारा दिन खेलती रहती हैं। ये मेरी फ्रेंड्स हैं, दोनों मेरे घर पढ़ने आती हैं, मेरी स्टूडेंट्स भी हैं, मेरी फ्रेंड्स भी हैं।
ऐसा मैं पढ़ाती हूँ घर में कुरान पाक का। एक अरसा मैंने स्कूल का भी पढ़ाया हुआ है, उस पर मैंने उन्हें जवाब दे दिया। मैंने कहा मैं छोटी हूँ, मैं अभी नहीं पढ़ा सकती, जितना मुझसे हो सकता था मैंने पढ़ाया, अब आगे आप किसी ट्यूटर का एहतमाम करें या खुद किसी ट्यूशन में जान डालें।